शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सौ से ऊपर रखा कर। जी भाई। सौ से नीचे मुझे जमता नहीं है। हाँ भाई। क्या हुआ? एकदम चकाचक रिपोर्ट है भाई। भाई ट्रम्प के जीतने पर $10 मिलियन आ चुके हैं। टकटक टकटक टकटक। तेरा उसका क्या हुआ? अरे बॉस, जो अपनी 100 एकड़ जमीन है ना, उस पे अपना फुलटूस कब्जा है बॉस। फिर तू क्या बता रहा था? दुबई से भाई का कॉल आया था, पार्टनरशिप के लिए ऑफर कर रहे हैं। तूने बोल दिया ना? पे बात हो गई है भाई। अबे चुप! 4 महीने हो गए, बिजली का बिल नहीं भरा, और बातें सुनो, $10 मिलियन हैं, जमीन पे कब्जा। ओहो, दुबई में भाई से पार्टनरशिप। सालो 1 हफ्ते का टाइम देके जा रहा हूँ, अगर नहीं भरा ना तो काट दूंगा। क्या 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 काट दोगे? अरे बिजली और क्या। बच गए। बॉस, बेइज्जती तो अपनी होती रहती है, लेकिन ये थोड़ी ज्यादा हो गई। बॉस, हमें लगा क्लाइंट था। भाई, एक्सरसाइज तो होती रहेगी, कुछ काम दाम भी कर लो, वरना कट जाएगी। अपने कमांडोज रेडी हैं? यस बॉस, अपने सारे कमांडोज रेडी हैं, लेकिन आज प्लान क्या है? तुम लोग सब गाड़ी में बैठो, मैं तैयार होके आता हूँ। यस बॉस। ये डॉन हर जगह चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। तो हम क्या रामू काका? अरे नहीं सर, क्या बात कर दी। हमें भी नाम चाहिए, हमें भी मेडल चाहिए। बिल्कुल सर। हमें भी मीडिया कवरेज चाहिए। हैं? कब तक ये गुमनामी की जिंदगी जिएंगे? कब तक? सर कुछ जुगाड़ बनाओ सर। सर सेल्फी डॉन को पकड़ने का ना कोई जुगाड़ बनाओ सर आप। सर एक आइडिया दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे नहीं सर, अब की बार सुन लीजिए, बहुत ही धासु आइडिया लाए हैं सर। सर ऐसा है, अब की बार जब डॉन सेल्फी खींचकर आपको भेजे और कॉल करे ना, तो उसको कहिएगा कि हिम्मत है तो हमको पकड़ के दिखा। वाह वाह मिश्रा, वाह। थैंक यू सर। वैसे आप ऐसे आइडिया लाते कहाँ से हैं? अरे सर, निकालते कहाँ से हैं? सब ऊपर वाले का करम है सर। गधा, जाओ मेरे लिए चाय लेके आओ। ओके सर। सर मैं एक आए। सर समोसे लाता हूँ, समोसे खाओ सर। ला रहा हूँ सर, जा रहा हूँ सर। ऐसे गधों के साथ रहूंगा तो मैं डॉन तो क्या पोकेमोन तक नहीं पकड़ पाऊंगा। रोको 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 रोको। गाड़ी के लाइसेंस और पेपर दिखाओ। पेपर और लाइसेंस तो ठीक है, पर चलान कटेगा। क्यों? बेल्ट नहीं पहनी है इसलिए। मेरी पैंट इतनी भी ढीली नहीं है कि मुझे बेल्ट लगानी पड़े। जोक। डॉन को सब कानून पता है, और डॉन हमेशा कानून हाथ में लेता है, तोड़ता नहीं है। और कानून यह है कि गाड़ी के अंदर बैठकर सीट बेल्ट लगाने का है, बाहर बैठकर नहीं। बात तो सही है। जा कर रहे हो? बैंक लूटने। बैंक लूटने? मैं कुछ समझी नहीं। अरे समझ जाओगी मैम, डॉन को समझना इजी से भी आसान है। सॉरी भाई, सॉरी। कभी कभी ऊपर जाने के लिए नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि भाई सेल्फी डॉन है। ला रे, आ जाओ रे सब लोग। हाँ भाई। ये फर्स्ट फ्लोर वाले पीछे जाओ, ग्राउंड फ्लोर वाले आगे आओ। ये मुस्कुराओ ऐसे। नाटक की हीरोइन। थैंक यू। बहुत मुश्किल है बाबा। एक आदमी है जो कर सकता है,
अगर उससे भी नहीं हुआ तो तू गया। कौन? गुरु। गुरु? संत महात्मा के चक्कर में नहीं पड़ना। अरे उसका नाम गुरु है, पहले वो बैंड मास्टर था, उसके ग्रुप में एक लड़की काम करती थी, क्या जबरदस्त डांस करती थी यार। मुजरा नहीं करवाना मुझे। अरे सुन तो सही, वेस्टर्न क्लासिकल डांस। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, गुरु ने गाना बजाना सब छोड़ के पीना शुरू कर दिया। अगर शराबी है तो वो लड़की कहाँ से ला के देगा? अरे बोतलें देंगे ना। रिस्के। गुरु। गुरु जी, दरअसल बात ये है, एक फिल्म का हीरो आया है एक छोटी सी समस्या लेकर, आप उसकी मदद कर सकते हैं, इसीलिए तो बाटली लेकर आया हूँ, आप उसकी समस्या सुलझा दो प्लीज। भाई चल 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 चल। सेटिंग हुई? हुई नहीं, हो जाएगी, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ा झूठ बोल दिया है। मैंने कहा तुम फिल्में बनाते हो, उसमें तुम मेन हीरो हो। क्यों, ड्रामा में क्या प्रॉब्लम है? अरे ड्रामा टीवी सीरियल बोलेगा, कोई लड़की काम नहीं करेगी। लेकिन मुझे। अरे लड़की चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए। हाँ तो चुपचाप चलो, दिमाग का बैंड मत बजाओ। लेकिन मुझे कंचा लड़की चाहिए। अच्छा ड्रामा नहीं करना है, कंचा खेलना है उसके साथ। अबे कंचा मतलब सुंदर होता है। अच्छा चलो चलो, तो बावला हो गया तू, लंदन में रह। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ। गुरुजी। कौन है? ये मिस्टर बंटी है, पैर छुओ। तुम इस आदमी को जानते हो? इनका नाम है बंटी। बंटी? अरे इनकी पिक्चर के बारे में तो सुना होगा ना, ये अपने खुद की फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं और उसके मेन हीरो भी। तो मेन हीरो है? गुरु जी, वो मैं नहीं हूँ, वो ये हैं, इनके बारे में बात की थी ना मैंने आपसे। तो फिर तू कौन है? मैं गुल्लू, टैक्सी ड्राइवर। मतलब तुम गुल्लू और ये टैक्सी ड्राइवर? नहीं नहीं, वो दोनों मैं ही हूँ। तो फिर ये कौन है? ये बंटी है। ये फिल्मों में क्या कर रहा है? ए तुम दोनों मेरे को पागल मत बना, बहुत हो गया अब तुम लोगों का। इसको पूछ मेरे को जिस काम के लिए आओ, मेरे को चाहिए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करे। इसको पूछ लड़की कहाँ मिलेगी मेरे को। औरतें चाहिए? नहीं, औरतें नहीं, एक लड़की चाहिए फिल्म में काम करने के लिए, वो भी हिंदुस्तानी मटेरियल होनी चाहिए। मिल जाएगी। और गुरु जी वो लड़की वो जल्दी से करवा दीजिए। वो तो मैं भूल ही गया था, आज से 200 साल पहले। 200 साल पहले? 2 साल, 2 साल। ग्रुप में एक लड़की थी, वो तुमको मिल सकती है। क्या नाम था उसका? क्या नाम था? अबे नाम बता उसको। पद्मिनी, शंखिनी, मोहिनी। रामायण के नाम नहीं, आज के नाम बता। जूली, सीमा, रीमा। हाका। हाका। ये कैसी डायन का नाम है? हाका। ये डायन का नाम नहीं है, ये मेरे आदमी का नाम है। अब अबे इन्हें आदमी नहीं, इन्हें एक लड़की चाहिए। शट अप। ये हाका है ना, ये मेरा आदमी है, इसके पास जाएंगे, ये बताएगा वो लड़की कहाँ रहती है। तो अब चले कहाँ? भाई सब हाका के पास, हाका को ढूंढने। मैं भूल गया था, एक मिनट। ए तू मुझे कल बोलता ना, मैं हाका से मिलकर कल ही तुमको हीरोइन से मिला देता था। अरे तुमको मेरी पहुंच नहीं मालूम है, मैं हर हीरोइन को जानता हूँ। और तुमको पता है मेरी माँ इंग्लिश थी और मेरा बाप पंजाबी, और मैं उनका रिजल्ट हूँ। इतनी जल्दी पहुंच गए? हाका बाहर आओ। आप अंदर चलिए, अभी गाड़ी चली भी नहीं, आप चलिए अंदर, चलिए चलिए। कहीं ये पागल तो नहीं है? मेरे सारे पैसे बर्बाद तो नहीं करोगे तुम? नहीं नहीं, उतर जाएगी, चिंता मत करो। पक्का ना? सब ठीक हो जाएगा, बैठो बैठो बैठो। पहुंच गए? अरे अभी तक नहीं पहुंचे, बार बार निकल क्यों जाते हो? चलिए बैठिए बैठिए अंदर, चुप करके। ए बॉयज, हका यहाँ आया था? कुछ लोग आए थे कर्जा वसूल करने, तब से गायब है, घर पे होगा। लेकिन बात क्या है गुरुजी? ये जो भाई साहब है ना, उनको फिल्मों में लेना चाहते हैं। अरे किसी को हाका का घर मालूम है क्या? बेवड़ा। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। एक मिनट, लेकिन ये सब क्यों आ रहे हैं यार? तुम लोग क्यों घुस रहे हो? चलो घुसो घुसो। अरे एक दो जन आ लो, सबके सब क्यों आ रहे हैं यार? हैंग ऑन, अरे हटा, कम पीस ऑफ भाई, तुम्हारी बोरा हक्का, बोरा। पकड़ो चले तो। सात कांडवार, सात कांडवार, सात कांडवार। भाई है ना, ये तुमको अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। क्या? मैं कितना मारेगा? शर्त है, अगर रोल चाहिए
तो तुम्हें उस लड़की को हीरोइन बनाना पड़ेगा जो तुम्हारे ग्रुप में काम करती थी। क्या नाम है उसका? नाम वो उसका नाम से क्या करना तुझे? साले शादी करी उसके साथ। भाई साहब नाम छोड़िए, आप बताइए कहाँ रहती है वो? वो जानने के लिए जल्दी बताइए, घर जाना पड़ेगा ना। हाँ तो चलो चलो चलो। कैसे कैसे ये लाल डब्बा में क्यों ना? ओ यस, चलो 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 चलो। उसका घर कहाँ है? बस ये पास में, जर्मनी। जर्मनी में कहाँ? अरे वो तू भूल जाना, वहाँ जाके देख लेंगे ना, ढूंढेंगे ना। चलो 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 चलो। कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे तू? जर्मनी। खाली 7 घंटे का तो रास्ता है। 7 घंटे का रास्ता? ये पेट्रोल का इतना भाव भरेगा? ये सब बारातियों को लेके जाएंगे हम लोग? अरे तो लड़की क्या हमें चाहिए? मुझे नहीं चाहिए लड़की, इन हराम घरों को बोल बाहर निकले, मुझे नहीं चाहिए। ये नहीं मानेंगे, ये जर्मनी जाकर ही मरेंगे। सुन ले, चलो जल्दी चलो। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? गाड़ी बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही। तो क्या कर रहे हैं? हाँ तो उतरो ना अभी, सब लोग उतरो। अरे लेकिन आप जर्मनी जा रहे हैं? हाँ तो धक्का मारोगे तो जर्मनी जाएंगे ना। चलो 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 जल्दी चलो, जाओ जल्दी आओ जल्दी। हाँ भाई खड़े मत रहे भाई, चलाओ जल्दी आओ। हाँ आराम से आराम से आराम से, प्लीज वेट। स्लो। ओके नाउ यू कैन गो। चलो चलो भाई, धक्का मारो धक्का मारो। हाँ भाई जोर से बोलो जर्मनी। अरे मेरे को धक्का मत मार, गाड़ी को धक्का मार। कैसा आदमी है यार। अबे परेशान हो गया मैं, कसम से मन करता खून कर दूं उसका, खून कर दूं मैं। और तेरे को मैंने मना किया था, इसको मैंने मना किया था, अबे ये कहां से आया? रोको रोको, अरे उनको भी साथ ले लो। अरे उनको भी जर्मनी देखने दो। अबे क्या टूरिस्ट बस है ये? हैं टूर करने निकले हम लोग, वर्ल्ड टूर। हां साले क्या जर्मनी फ्रांस तुम लोगों को घुमाऊं? अबे गाड़ी रोक, उनके बिना मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो चाहता हूं तू नहीं आए। अबे गाड़ी रोक, उतार इसको। मैं नहीं उतरूंगा, मुझे जर्मनी जाना है। क्यों, तेरे पिताजी की कब्र है वहां पे? साले टांगे तोड़ दूंगा तेरी मैं। तेरे दारू के सप्लायर का क्या हुआ? सब हो गया, तू इतना परेशान क्यों है? तू जानता है ना उसे? नहीं नहीं, मैं आज तक मिला नहीं उससे। हाँ? लेकिन मैंने मंत्री जी की डायरी से नंबर निकाल के उसको फोन किया है। तू चिंता क्यों कर रहा है? देख मंत्री जी का दिमाग बहुत गर्म है, सारी सेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। सारी सेटिंग प्रॉपर ही होगी, तू बाथरूम जा, टेंशन कम हो जाएगा। कोई पूछे मेरा नाम ले देना, जा चिंता मत कर। खाली की बात कर रहा है यार, मंत्री जी के यहाँ से फोन करो, दारू का सप्लायर ना आया, इतनी हिम्मत? Yes. How are you? Fine. तो आप कहाँ? मैं तुम्हें मेम साहब दिखता हूँ क्या? मैंने पूछा हाउ आर यू? फाइन। अरे यार तुम लोग इंग्लिश की बहुत प्रॉब्लम रखते हो यार। हाउ आर यू मतलब कौन हो तुम? अच्छा अच्छा ऐसे आ रहे हो। देखो हम पार्टी में बड़े लोगों का मूड बनाते हैं। अरे तुम वो हो सप्लायर? अरे इधर आओ ना यार, तुम्हारा तो इंतजार कर रहा हूँ। वालिया साहब की डिनर पार्टी है, लंच अभी शुरू हो जाएगा, माल कहाँ है? अरे माल सब तैयार है, गिनती बोलो आप। देखो सब इम्पोर्टेड चाहिए है, एकदम प्योर। क्वालिटी की चिंता बिल्कुल नहीं करना, क्वांटिटी बोलो। लगभग 4 तो मंत्री जी को चाहिए होंगे। 4? हाँ 4, वो भी एक साथ। एक साथ 4? बहुत शौकीन है भाई, अभी आएंगे तो एक मांगेंगे, और खाने से पहले दूसरी, और खाने के बाद तीसरी, और एक घर पे लेके जाएंगे। घर में? अरे रात तो काटनी पड़ती है ना बाबा, आल लाइट फुल टाइट। हाँ लेकिन उनकी बीवी जो बड़े लोग हैं, जो भी करते हैं सीक्रेटली खुल्लम खुल्ला, हमारे जैसे थोड़ी छिपे छिपे। कभी कभी तो उनकी बीवी भी ज्वाइन करती हैं। क्या बात, बहुत बड़ी महिला है वो। उसने मंत्री जी से साफ बोल दिया जो भी करो मेरे सामने करो, कभी कभी तो वो खुद ले आती हैं। हाँ धंधे में कंपटीशन बढ़ गया। अरे घर में एक आध स्टॉक रखना पड़ता है ना भाई, रात के 2:45 खांसी से नींद खुल गई, अब क्या करें, लेनी पड़ेगी ना सर। ये कार्ड रखिए मेरा, ये सेटिंग मेरी करा दो, एक से एक आइटम लाके दूंगा, एकदम पेटी पैक करवा दूंगा, लेकिन मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। 100% आपको भी इंपोर्टेड लगेगी क्या? अरे नहीं नहीं बाबा, अपने को इंपोर्टेड नहीं, बराबर चढ़ते नहीं। हाँ। अपने को देसी 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 भी है। हाँ? एकदम काउंटन, मुंह से लगाते जहां बोलोगे चढ़ जाएगी। अच्छा आपके लिए एकदम फ्री। ए पक्का? हाँ मैं कल फोन करूं। अच्छा ठीक है, आज हम बात नहीं कर रहे। मैं हुई
क्या आदमी मिला यार, अलादीन का चिराग कल छक्के पीऊंगा। आपके ये शौक भी है तेरे को? अरे शौक तो बहुत है त्रिपाठी, लेकिन अपने को परवरता ही नहीं है। क्या सेटिंग हुई? वाह वाह। अरे वो सब छोड़, दारू के सप्लायर का क्या हुआ? तो ये क्या तुम्हारा पिताजी जा रहा था? यही तो है वो। ये किसी और चीज का सप्लायर है। किसका? लड़की का। अरे यार पहले क्यों नहीं बताया, मेरा नाम खराब हो जाएगा। अभी क्या करूं चश्मुद्दीन, कमिश्नर साहब भी आ गए। अरे यार ये मंत्री साहब कब के बैठे हैं, बालिया साहब पता नहीं कब आएंगे। तू इतना टेंशन क्यों है? कल को मेरी साली की सालगिरह है। क्या मतलब? मेरी शादी की सालगिरह है, तो समझ में नहीं आ रहा बीबी को क्या गिफ्ट दूं जिससे वो खुश हो जाए। तू एक काम कर, तलाक दे दे, बहुत खुश हो जाएगी। है? लगता है तू बहुत दुखी है अपनी बीबी से। नहीं रे, मेरी बीबी तो बहुत अच्छी है, मेरा हर हुक्म मानती है। रात को 3 बजे बोलूं चल गर्म पानी ला, लाके देती है मुझे। नहाने के लिए बर्तन धोना पड़ता है ना मुझे। ए, कहना मत किसी से, तेरी बीबी को इंग्लिश आती है? नहीं यार, मेरी बीबी तो गांव की है। अच्छा गांव की है, मुझे लगा तेरी बीबी है। हट, तेरे से तो बात करना ही बेकार है। लो बालिया साहब आ गए। आइए सर, आइए आइए। वो तो अच्छा हुआ केलकर ने हमें बता दिया, अगर हीराचंद उनके हाथ में आ जाते तो हम सब मुसीबत में पड़ जाते। थैंक यू। मुसीबत तो ठीक है, पर वो क्या कहूँ, आपकी गर्लफ्रेंड रोशनी जी पुलिस वालों पर आजकल कुछ ज्यादा ही रोशनी डाल रही हैं। आज शमशान घाट पर भी दिखाई दी। कौन किसको क्या बता रहा है क्या पता, पर राव साहब अगर इस बात पर गौर नहीं किया गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमारी सरकार गिरने की भी नौबत आ सकती है। पढ़ क्या लिखा? मेरा फोटो नहीं है। ये क्या लिखा, क्या लिखा? मेरा नाम है कि नहीं? अबे सबका नाम है, ये देख। डीपली मोन बाय फ्रेंड्स, पंकज, मार्तंड, समीर, गौतम। मार्तंड तेरा नाम है? तो है। और पता है इसका दिया हुआ क्यों? अबे तेरा कोई अता पता है? चल हां चलो, क्यों पूछता है? चल तेरे को जो पट्टी पढ़ाई थी याद है ना? एकदम, मौका मिलते ही फटाफट मार दूंगा। हां टकाटक तोते की तरह बोल देना। बिल्कुल। अपनी जेब से कुछ मसाला मत डालना, जो हमने सिखाया है वही बोलना। ज्यादा बोले ना तो सब भूल जाऊंगा। ए हमारी जिंदगी तेरे हाथ में है, अगर कोई गफला किया तो तुझे फोड़ डालूंगा। जैसे बोला वैसे ही करना। हाँ ठीक है। आइए, कौन चाहिए? क्या ये पंकज, मार्तंड, गौतम और समीर का घर है? आइए आइए आइए। ये कौन है? ये मेरे मालिकों के बहुत ही जिगरी, बहुत ही गहरे और बहुत ही दिल के करीब वाले दोस्त हैं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। नामुमकिन, ये तो मर चुके। इनसे नहीं, तुम्हारे मालिकों से मिलना है। जो पट्टी मेरे दिल में है ना, मुझे बोलने दीजिए तोते की तरह। मालिक के जाने के बाद चारों गम में डूबे रहते हैं, स्विमिंग पूल भी बंद करवा दिया है, फोटो के सामने बैठकर गांधी जी की तरह रोते रहते हैं। ओवर एक्टिंग की औलाद, पूरा गेम बिगाड़ देगा ये। मैंने पहले ही बोला था ये फटाका फटेगा नहीं फूटेगा, लेकिन ये बोल रहा था करेगा करेगा। ले कर दिया। मुझे मिलना है तुम्हारे मालिकों से। लेकिन वो यहाँ नहीं है, सबके सब बॉक्सिंग करने गए। कहाँ? स्टर्लिंग क्लब। अच्छा तो ठीक है, मैं उनसे वहीं जाके मिल लेती हूँ। ठीक है। अब उसके पहले हमें क्लब पहुँचना है। मुझे कुछ देंगे? हाँ देंगे, बहुत कुछ देंगे। क्लब से लौट के बस बदन पे तेल लगा के रखना, हम अभी आते तेरी। ठीक है ठीक है। बॉक्सिंग शुरू कर देते हैं, वरना आएंगे तो हमें खंभों की तरह खड़े दिखेंगे। कपड़े निकालो। ओए झूठ मूठ की बॉक्सिंग करेगा? तुम पागलों का भरोसा नहीं, सचमुच हाथ पैर तोड़ने लगोगे। ए मारू, समझा ना? अबे जाना, डरपोक कहीं का, लोग प्यार में जान दे देते हैं। तू दो चार घुसे ले दे नहीं सकता, बिल्ली का बच्चा कहीं का।
प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, काने बजाने कभी गाना। यार लेकिन ये जानवरों का जंगली खेल क्यों, कुछ और खेल खेलते ना। तू आंख में चोली खेल। अबे रितु का भाई बॉक्सिंग चैंपियन था, अब अगर हम उसके दोस्त बन रहे तो हमें भी बॉक्सिंग आनी चाहिए। के साथ गमले भी आए, मुंह छुपा ले, बूढ़ों ने देखा है मैं पहले। बाकी के तीनों को मैंने भेज दिया। किधर? तेरे बाप की शादी में। क्या आप राहुल को जानते हैं? बॉक्सिंग चैंपियन राहुल। हाँ वही, मैं उनकी बहन हूँ। ओ रितु, क्या क्या देखा, क्या क्या सुना है आपके बारे में? आपको देख के तो मैं ये तो चारों खाने चित्त हो गए। ये बंदे उठते क्यों नहीं? वो मेरे मारने से मर गए थोड़ी देर के लिए, अभी आपके जाने के बाद इनकी जान में जान आ जाएगी। बहुत टाइम लगा थे ये लोग। इतने हट्टे कट्टे तीन पहलवानों को तुमने अकेले ने पानी पिला दिया। वैसे तो रोज के पांच छह मारता हूँ, आज तीन ही सही। आइए ना, वहां जाके बात करते हैं हम लोग। आइए ना, प्लीज प्लीज चलो। आधा घंटा हो गया। बोला था मैंने तुमको। अबे पता है उसे जगह, ये तेरे जैसी अनपढ़ नहीं है, पढ़ी लिखी है वो। उसे 10:30 का टाइम दिया था, अभी 10 बज रहे। अच्छा सुन, हमारी पहचान तो इस अंदाज से कराना कि झटके से पता चले कि हम राहुल के कितने करीब हैं, और हमने तेरी पहचान उससे कराई। हाँ हाँ बोल दूंगा यार। अबे अबे तू खड़ा क्यों, बैठ, हट। ड्रेस में झुर्रियां आ जाएंगी, कैसा लगता हूँ मैं? शाहरुख शाहरुख शाहरुख। मुंह पे मटका रखेगा तो एकदम शाहरुख। तो ट्राई कर लूं क्या? मामू 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 तू रितु को फोन करके बोल कोरियन स्विमिंग पूल आ जाए, वहां भी एक कॉफी शॉप है। हाँ लेकिन यार वो मोबाइल लाया नहीं ना, नहीं तो कर लेता फोन में। झूठ मत बोल साले, ये क्या दिख रहा है मेरे को, चल फोन निकाल चल। हाय हाय हाय। हाँ हाँ निकाल रहा हूँ, अबे रुकना है। ये रहा। बिजी है बिजी साले, लगा हुआ है कर बात। हाँ रितु, हाँ मैं पक्या बोल रहा हूँ, पंकज बोल रहा हूँ। रितु वो मॉल के जगह हम लोग कोरियन थीम स्विमिंग पूल मिल सकते हैं? नहीं वो मैं बताता हूँ आपको, मतलब तुम्हें मिलके बताता हूँ मैं। हाँ क्या जल्दी, तुझे मुझे भी तो मिलना रितु से। चुप बैठ, तो अभी मुझे चलाना दे, तू रिपेयर करा के ला, मैं इनके साथ निकलता हूँ। रुको रे, मुझे भी ले चलो, हेलो मुझे भी ले करो। हाँ रितु मैं पक्का बोल रहा हूँ, पंकज बोल रहा हूँ। हाँ रितु स्लाइड चेंज ऑफ प्लान, वो कोरियंथियन क्लब मत जाना। हाँ उसके बजाय हमारे घर के पास, सॉरी तुम्हारे घर के पास वो नेहरू रोड है पता है? वेरी गुड वेरी गुड। उसके पास इंडिया कॉफी हाउस है पता है?
वेरी गुड वेरी गुड, तो हम लोग वहीं मिलते हैं। नहीं वो मैं तुम्हें मिलके बताता हूँ। ओके ओके। पूरा परफ्यूम भी सूख गया मेरा। अबे यार ये पक्या की राह देख देख के मैं पक गया, मेरे को तो फुल लफड़े की बुआ रही है। हाँ यार ऋतु भी नहीं आई अब तक। दो और दो मिलाओ 22 समझो, इससे पहले इनकी गुटरगू शुरू हो जाए चलो चल के इनको कहीं ढूंढते हैं। तुमने जगह क्यों बदली अचानक मिलने की? नहीं वैसे तो अच्छी थी वो जगह, लेकिन अचानक कुछ हुड़दंडी मंडराने लगी। बोलो क्या लोग? तुम बोलो। कोल्ड कॉफी, एक कोल्ड कॉफी आइसक्रीम के साथ और एक ग्लास पानी के साथ। अरे कुछ तो लो। नहीं मेरा आज उपवास है। थैंक यू। उपवास किस लिए? नहीं वो हम जैसे मर्द मानते हैं कि गुरुवार के दिन अगर हम उपवास रखे तो हमें एक सुशील कन्या मिल सकती है। अच्छा। अरे देख देख ये वही कमीना है, मुझे उस दिन पीटने वाला। क्या हुआ? चलो कल्टी मारते हैं। क्यों? नहीं ये जगह ठीक नहीं है। पर अभी अभी तुमने कहा कि ये क्लासिक जगह है। गर्मी बहुत बढ़ गई है और ये टैन तुम्हारी त्वचा के लिए अच्छा नहीं है। चलो चलते हैं। पर ये जो कोल्ड कॉफी हमने नहीं वो कॉफी कैंसिल। क्यों बे? मुझे देखते ही सुई चुप गई नीचे। आप क्या बे साले, लोगों से टायर में बड़ी फूफू क्या हवा भराता है? आप कौन सज्जन है? मैं आपको जानता नहीं। लेकिन मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे कैसे? कहाँ गए बाकी के लफंगे सारे? कौन कहाँ किसकी बात कर रहे हो भाई साहब? इसकी शक्ल देख के लगता है कि हम जैसे 50 को बेवकूफ बना चुका है। देख देख रितु तो यही है। हाँ मगर इतनी भीड़ क्यों है? उबे पकिया इसको कौन पीट रहा है? फरिश्ते हमारे साथ धोखा किया साले ने। अरे ये तो बाइक वाली गैंग है, चलो इसे बचाते हैं। ए, संत ज्ञानदेव तू यहीं रुक जा, बहुत कम इंसान मिलता है दुनिया में, साले को थोड़ी सजा मिलने दे। सही बोला इसने। हाँ। तू बहुत महान है ढंबे। अबे क्या कर रहा है, धत पे मार साले के। बहुत बकवास करता है वैसे भी। अबे सालो खाना बाना खाते हो कि नहीं? जोर से घुमा के दो पेट में निकला। ये हलकट, ये इधर हम दोनों काम कर ले तो उधर चौकीदार की तरह चक्कर काट रहा है। अरे 20 लाख का इंतजार कर रहा हूँ। वो 20 लाख के तेरे पास इधर चल के आने वाला है, ऐसे ही समझ लो। क्यों? वो 20 लाख के पास टैक्सी रिक्शा का पैसा नहीं, जैसे चल के आएगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बाबू भैया एक आदमी आने वाला है, मस्त पेगी, उसको मैंने बाटली में उतारा है। ये देवा ये बाबा बाटली चीज ही ऐसी है साला, बड़े बड़े उतर जाते हैं। ये कह रहे हैं मैकेनिक, रात भर खांस रहा था, जा जाके मेरे बाटली से 2 घूंट मार ले जा। क्यों दारू पीने से खांसी चली जाएगी क्या? अरे दारू में मेरा बाप का गराज चला गया, पूरा प्रॉपर्टी चला गया, खुद मेरा बाप चला गया, तेरा खांसी क्या नहीं जाएगा? बॉस 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 वो आ रहे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके कोई कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ की जगह क्या बोलेगा? हाँ ये समस्या है रे, क्या बोलने का? ए तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। आप जा, आप काम करो, आप काम करो। अरे इतनी जल्दी आ गया? पैसा लाया? हाँ हाँ। भाई ये तो लावणी वाला है। ये तो ये माली है मेरा। ये बाबू पानी बराबर दे रहे। क्या माला बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये आपका माली है? ये तो उस दिन वहां पे हाँ उड़ा रहा था मालूम है। क्या इसको जब भी पगार मिलता है ना मेरे को लाके दे देता है, मैं उसका डबल कर देता हूँ।
और वो जाकर उड़ा देते हैं। अच्छा, अच्छा। अरे ये भी तो उसने कहा था। ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर, तेरे को बोला ना डिक्की में से पैसा निकाल के अंदर रख। ये चुब्बे, ये आपको चुब्बे बोला? मेरे बाप समान है वो, 5 साल का था तब से पाल पोस के बड़ा किया उसने मुझे, तब से मेरा ड्राइवर है वो। 5 साल? लेकिन इसकी उम्र तो आपके बराबर लगती है। प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना? 4 करोड़ रुपए खर्चा किया इसके मुंह पे प्लास्टिक डालने के लिए, जिम भी ज्वाइन करवाया, मालूम पड़ता है 60 साल का। ना ना भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। पैसा लाया? लाया ना भाई। भाई अंदर बैठ गिन ले। अंदर कुछ नहीं, हम लोग बैठते बैठते नहीं। अब भाई थोड़ा पानी वानी हो जाना चाहिए। पानी कौन पीता है? पानी सिर्फ पौधों के लिए, हम सिर्फ बियर पीते, सेव वाटर ड्रिंक बियर, दैट्स आवर मोटो। भाई 25 दिन में डबल हो जाएंगे ना? अभी ये दोगे तो डबल होगा ना। ले लीजिए भाई, 25 दिन बाद आता हूं। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ओके ओके बाय, ओके बाय। कार हलकट है, मेरे को माली बोला तू? अरे बाबू भैया 20 लाख रुपए मिल गए। ड्राइवर साला खुद काला चश्मा पहन का चोर दिखता, मेरे को ड्राइवर बोलता साला। अरे चोर चोर साला, रुक रुक रुक। अरे साला क्या हाला हाला।